आप सबकी शादी कराते हो तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? मैं तो शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन जिसको समझाना चाहता हूँ ना वो समझ ही नहीं पा रहे यार। तो शादी के लिए तैयार यार? ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे यार, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा सारा गाड़ी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब लड़की शादी के लिए तैयार है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, तो आप तैयार हो तो कल मैं बुला के लेके आऊँ शीला को। शीला? ये कौन है? अरे वही जो आप पे डोरे डालती रहती है, आप पे फिदा है। और एक बात, तो आपके लिए कॉफी भी बना के लेके आई थी, मेरी कामवाली बाई की लड़की शीला। क्या? वाओ जी, नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार, बैठिए जी। मुझे अपने बेटे का रिश्ता करवाना था। हाँ सर, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्या रिश्ता? सर रिश्ता लड़के का। अच्छा। सर आप कहाँ से हो, कौन सी जगह से? यूपी से हैं। तो क्या करें, फिर खा रहे होगा गाड़ी में, क्या चल रहा है? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी यूपी की जनसंख्या ज्यादा क्यों है? अब क्या बताएं मैडम, लाइट वायर तो आती नहीं, अब अंधेरे में जनसंख्या ही बढ़ेगी क्या? तो सर हम भी लाइट बंद रखा करेंगे। अच्छा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले महीने हमारे बिजली का बिल 15,000 रुपए आया था। अरे अब आप लोगों का हो गया हो तो मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो भाई, शादी के लिए। अरे स्टूडेंट को अभी अच्छी तरह पहना तो हो जाने दो यार। सर इसकी हाइट पे मत जाइए, बहुत कुछ कर सकता है जिंदगी में। अच्छा, मैं भी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सर, आप हर जगह सुन जाते हो। अरे छोड़ो यार, कोई अच्छी सी लड़की देखो ना मेरे बेटे के लिए। अरे यार आप समझ नहीं रहे, मुझे देखिए, मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इसको देखना। क्या? अरे मेरा मतलब है आपका जो बच्चा है ना वो अभी नाबालिग है, तो मुझे पूर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे बेकार में यार। चिंता मत कीजिए सर, आप अकेले नहीं है इस तकरार में। अच्छा? नहीं, मेरा मतलब ये है, ये सर और इनका लड़का ये भी तो होगा इस लड़ाई में। नहीं, वहाँ तो हमारी जानकारी। अरे वहाँ तो आपकी जानकारी है पर हमने तो अपनी जान प्यारी है। अरे आपकी जान भी अब हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा तो सुनो, जब छोरा की उम्र की हमारे पास एक ही लड़की है पर बुआ कारी है। काहे को? तो जब छोरा ही मैया को तो कारी है, फिर वो हमारी घरवाली है। तो क्या करूं फिर मैं, इस टाइम पर करवा दो। अरे कारी है तो क्या हुआ सर, अभी तक तो कारी है। अरे क्या तुम भी तो कुंवारी हो ना, तो कुछ सोचा हमारे बारे में? सुनो साहब, हमें यूपी के और हमारे पलड़ाने को भारी है। अच्छा, तो हम हुए भरतपुर के और 18 साल से पहले बहना हो, ये सूचना जनरेट में जा रही है, अब निकलो यहाँ से। चलो सुनो साहब, इतनी मत करो, कछु इज्जत हमनो प्यारी है, चल लगा। अरे यार पता ना, पूरे पूरे दिन ऐसे ऐसे कस्टमर आमे, पूरे दिमाग को कचरा करके रख दिया। मोनिका यार ऐसा करो ना, तुम मेरा मुंह ठीक करो ना यार। अरे योजन कहते बाबू, राम राम, क्या नाम है तेरा? नाम दिन में दिन जाओ।
बिना तुम था इका ना देखी। अरे नो 4G नो 5G ओनली लखन जी। तो लखन जी ये तो खा गए का ने चाटी पकाई कर रहा तो लीजे बैठ आराम से यार। बता क्या चाहिए तुम साहब? कहा बताऊं साहब? जवानी धुआं देवे लग गई साहब। जल्दी से मेरा ब्याह करा दो को फटफटा जाऊंगा धर्म से। अच्छा मन का एक काम करो, इसके लिए लड़की की फोटो दिखाओ यार। ऐसी लड़की की फोटो दिखाना जो इससे भी ज्यादा धुआं दे रही हो। साहब फोटो दिखावे की क्या जरूरत है? ये मैडम धुआं देती सी लग रही हूँ मैं तो। इनते ही ब्याह करा दो मेरे। अच्छा जब यहाँ हुआ तू ले जागो तो हम कहीं जा बैठे मक्खी मारेंगे है? बता कौन से ब्याह करे हो? सबीना तो कोई हीरो नहीं ढूंढ ले साहब। शकल देखिए नहीं हम का मर गए। हमारा तो ब्याह ही ना सके हीरोइन से। मरा ही कैसे लग रहे हैं साहब? नहीं तो छोरी नहीं पटा रहे थे तुम? अच्छा और तू से कह रहा था मैं कुछ छोरी कैसे पटिया कर रहे हैं? ये कहीं होशियार हो तो यहाँ का ही आयो है मारा ही कर ले तो क्या? अब बता कौन सी हीरोइन से करे हो क्या? सकल देखिए कौन जाएगा बिल्डिंग तक? ना पूछे तो नशे नहीं लगा लेंगे सर। अच्छा यार मोनिका ऐसा करो इसकी अमिताभ से बात कराओ यार। कौन? देवी और सज्जनो? अरे ना यार अमिताभ मेरे संग को लड़का बचपन को। रेलवे स्टेशन पे वो लंबाई बढ़ाने की पुड़िया बना बना के बेचता है। तो साहब दो चार पुड़िया छुरी को ना खवा सकेगा साहब? नो थैंक्स साहब। यानी अंग्रेजी का गाड़ी सी दे दें मैं। ये कह रही है आपसे आपको पुड़ियान की ज्यादा जरूरत है। देखवा मैडम गाड़ी देनी है तो दे लेते धर्म से बात कर लेने का बड़े दिल सुकून से मिले। अच्छा तुम्हें अपनी हाइट के हिसाब से तो राजपाल यादव से बात करनी चाहिए। राजपाल यादव ये कौन है? समझ गए भाई से बात करो। देखो मैडम गाड़ी देनी है तो जाने सोचा और बात कर ले मैं तो धर्म तो दिल सुकून से मिलेगा। अच्छा बहुत बड़ी बड़ी आंकड़ों कहाँ को है? भरतपुर कहो मैं भरतपुर कहो। तो जब से क्या कह रहा लतरा को वाला लियो जाओ तो वहां को सुन। अब तेरा ब्याह मल्लिका से ही होगा। वो चाहे जमीन में नीम करवा के दीवार क्यों ना छिनवानी पड़ जाए पर तेरा ब्याह भाई से होगा और तू वह किसो करे हो। वैसे एक बात कहूँ साहब तुमने मेरे मन की सी बात कह रही साहब। अच्छा चलो निकल रहे यहाँ से। नहीं भरतपुर के इनको एक टैलेंट है ज्यादा कहूँ रुक गए ना और वो दिख गई तो आठ घंटे बलात्कार कर दे निकल यहाँ से। अरे गणेश को ले जा।